बुलंदशहर दुकान में मोमबत्ती लेकर घर लौट रही किशोरी को अगवा कर किया रेप। गांव में खंडहर मकान में दो युवकों ने किशोरी से किया रेप। रेप की वारदात अंजाम देकर आरोपी दोनों युवक हुए फरार। पुलिस पर पीड़ित की तहरीर बदलवाने का भी आरोप। पुलिस ने दोनों दरिंदों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की। बुलंदशहर जिले के तरनिया क्षेत्र के गांव हरिपुर का मामला। आर चेतना न्यूज के लिए संजय कुमार सियाना की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन। अच्छा, क्या बात हुई जो आप थाने में आई हो? मेरी लड़की को दोस्त करी थी, कुछ लड़के उठा के ले जा रहे थे और फिर उसके साथ बदतमीजी करी थी और उसके साथ फिर कहा के तो चार बच्चों ने देखा था। उसने मुझे बताया था जब हम गए थे वहाँ पर, बारी बारी से दो लड़के ने बलात्कार किया था, इसलिए रिपोर्ट लिखाने आई थी यहाँ पर। वैसे मदद तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ। भैया, आप जो थाने में आए, क्या कारण हुआ ऐसा जो आप थाने में? कारण ये था कि हमारे गांव ग्राम हबीपुर पोस्ट गंगावली में थाना अरनिया पड़ता हमारा, तो हबीपुर गांव में घटना रात 7:30 से 8 बजे के करीब की थी। तो हमारे परिवार में से हमारी रिश्ते में बहन लगती है, वो दुकान पर गई थी। दुकान पर जाते समय दो दरिंदों ने लाइट ना आने के कारण उसको वहां पर जबरन खींच लिया गया। उसके बाद उस लड़की के साथ में बारी बारी से रेप करा दोनों ने। एक खंडर मकान है जो इस गली में पड़ता है, उसमें 15-20 साल से कोई व्यक्ति नहीं रह रहा, उस मकान में उन्होंने रेप किया था उन्होंने बारी बारी से। तो उसकी शिकायत लेकर हम यहाँ थाने आए हैं सर। तो रात हमने शिकायत करी थी, अगर थाना प्रभारी जी ने हमारी शिकायत दर्ज करी, लेकिन उन्होंने जो हमने शिकायत दी थी उस शिकायत को ना लेते हुए उन्होंने दूसरी शिकायत अपनी तरफ से लिखवाई। उन्होंने ऐसे नहीं, ऐसे इस तरीके से लिखवाई है। उसमें एक लड़के का बचाव की कोशिश की जा रही है जो मेन मुजरिम है वो, तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और लड़की डॉक्टरी के लिए बुलंदशहर जाएगी का। और इन्होंने पहले भी कई क्राइम कर दिए इन्होंने का, क्योंकि दबंग किस्म के लोग हैं इसलिए का। क्या नाम है लड़को? लड़का का नाम है एक का दलित उर्फ गुड्डू, वो खटीक समाज से है, सनोप उसकी कृपाल सिंह है। और दूसरा जो लड़का है वो सुनील है, उसकी सनोप जयवीर रहेगा, वो ठाकुर समाज से है। ये दोनों व्यक्ति थे, उन्होंने जबरन खींच के उसके लड़की के मुंह में जो चुन्नी घुस दी थी, आवाज़ ना निकल पाए, तो दोनों बारी बारी से उन्होंने रेप किया था।